नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से लाइव प्रिपरेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित दिष्टो। और दोस्तों, थंब के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से हम अपने जीवन साथी का नाम, सफलता, आयु, अनेक प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, आप पुराने लोगों से कुछ पूछिए कि अंगूठे के माध्यम से हम पहले व्यक्तित्व के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, जीवन साथी का नाम, अनेक प्रकार की गणनाएं कर दिया करते थे। समुद्र शास्त्र में इसके विषय में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम पूरी चीजों को जानेंगे बहुत ही ज्यादा सरलता से, बहुत ही सहज तरीके से। चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना क्या है, अंगूठा का जो बैक पोर्शन होता है, फ्रंट पोर्शन यहाँ पे आगे होता है, और जो आपको फिगर में दिखा रहा हूँ ये बैक पोर्शन आपको देखना है। यहाँ पे लेयर्स होती हैं, यहाँ पे लाइनें होती हैं। उन लाइनों को पढ़कर हम जीवन साथी का नाम और उसकी सफलता आपकी और आयु की गणना, अनेक प्रकार की चीजों का वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अगर अंगूठे की बात करें तो यह शुक्र पर्वत होता है, तीसरा भाग जो इसका होता है, और जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट होता है जिसे कहते हैं पहला भाग, ये पहला पर्व होता है। ये आपके दिखाता है विल पावर को, इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो अंगूठा व्यक्तित्व को पूरी तरीके से आपके लॉजिक्स को दिखाता है, क्योंकि आप जब तर्क किसी चीज में लगाते हो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ होता है। अंगूठा व्यक्तित्व को दिखाता है, अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तर्क बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पे आपको लाइनें दिखाई दें, डैट मीन्स कि आपका तर्क अच्छा है, इस तरीके से हम मूव ऑन करेंगे। अब हमको देखना है इसमें क्या है, जीवन साथी का नाम, सफलता और आयु सब देखने के लिए मोस्टली अब स्टार्ट यहाँ से करिए। जैसे कि आपको यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं अंगूठे के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास का भी आप यूज कर सकते हैं, या वो अगर डार्क हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल है ये दोस्तों। सबसे पहले तो हमको देखना शुरू करना है पीछे से। यहाँ जो सबसे ऊपर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जैसे इस फिगर में आप कई सारे लाइनें होंगी यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ लोग जानने में इंटरेस्ट होगा जीवन साथी का जो नाम का अक्षर है वो कैसे निकालते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसमें कई सारे दोस्तों लाइनें हैं, मोस्टली आपकी 7, 8 और 9 सभी ग्रहों को, राहु केतु की भी लाइनें यहाँ पे होती है, लेकिन मैंने उसको नहीं लिखा है। मोस्टली लोगों के 7-8 लाइनें होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। सूर्य अगर यहाँ से गणना करेंगे, सबसे पहली लाइन जो है वो सूर्य रेखा, चंद्र रेखा, मंगल रेखा, उसके बाद यहाँ पे बुध रेखा होगी, फिर शनि रेखा होगी, ऐसे करके इस तरह की लेयर्स होंगी, ये तो इस तरह की लाइनें होंगी। अगर कोई अखंड बन नहीं है, पूर्ण बन नहीं है, मतलब उस ग्रह का पर्टिकुलर आपके आयु, जैसे कि सूर्य की जो आयु होगी वो 10 साल होगी, चंद्र 20 साल देखा जाएगा, ये 30 साल की उम्र को दिखाएगा, और फिर बुध हो जाएगा, बुध आएगा, उसके बाद बुध आपके 40 साल के आसपास की एज दिखाएगा। जितनी ज्यादा लाइनें आपके में स्पष्ट बन नहीं होगी, मतलब आपके सफलता में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी सफलता मिलती है आपको 30 साल के आसपास, तो आपकी मंगल की जो रेखा होगी वो अधिक बली होगी, अधिक गाढ़ी होगी, वो लगभग बीच आसपास ही पड़ती है बीच के। अब यहाँ पे जीवन साथी का नाम कैसे देखना, चलिए देखते हैं। अभी मैंने जो आयु की गणना की उसी तरीके से, मान लीजिए आपका जीवन साथी कब आएगा, उस पर्टिकुलर आप बीच वाली रेखा को देखिए, मतलब मंगल रेखा पे या तो होगा, या तो आपके गुरु रेखा या बुध रेखा पे ज्यादा डार्क हो रेखा होगी, जैसे आपको फिगर में दिखाई रही है, ये डार्क रेखा जो है ना उस पे तरह तरह की आकृतियां बनी होंगी, ऐसे करके तरह तरह की आकृतियां बनी होंगी। उस आकृति में बहुत सूक्ष्म तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर सकते हैं, कोई लेटर लिखा होगा, कोई लेटर लिखा होगा, वो लेटर के माध्यम से, जैसे आ लिखा होगा वो मतलब आपका बा लिखा होगा, सा लिखा होगा, ये राशि है आपकी जो जीवन साथी होगा उसकी राशि के अनुसार भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ये सब चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो आप तर्जनी उंगली पे जा सकते हैं, उसके बाद अनामिका उंगली का भी गणना कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बाई द चांस आपको नहीं मिल रहा है तो ये एक आयना है, समुद्र शास्त्र एक आयना है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को बताता है। अगर कोई चीज आपके वहां पे नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज होगी नहीं, वो दूसरे भाग से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सबसे मध्य भाग से देखना है, और इंग्लिश का लेटर भी आप देख सकते हैं, जैसे एस एम एन इस तरह के लेटर्स भी आपको मिलेंगे, तो इस तरह की गणना भी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम आयु की बात करें, किस पर्टिकुलर एज में आपको सफलता प्राप्त होगी और कब जीवन साथी आपको पर्टिकुलर मिलेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई अखंड रेखा मध्यम स्थिति में आ रही है, वो डार्क है, तो उस पर्टिकुलर एज में आपको सफलता मिल जाएगी। मान लीजिए कि आपको बुध के पर्वत वाली जो रेखा है, बुध रेखा है, वो डार्क है, वो अखंड है। मान लीजिए कोई रेखा है जो इधर से चलती है और फिर यहाँ पर रुक जाती है, तो इसका मतलब वो अच्छी है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो पूर्ण नहीं हो पाई।
अगर किसी की रेखा आप देखिए कि सूर्य रेखा ऊपर पूरी बन नहीं होगी, उन लोगों का बचपन देखिएगा बहुत खुशहाल रहता है, उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती है। अगर आप बाद में देखेंगे, बाद में कोई रेखा बहुत पूर्ण बन नहीं है, अखंड बन नहीं, स्पष्ट बन नहीं है, आप देखेंगे जैसे उनकी एज ज्यादा होती जाएगी वैसे उनके पास भोग विलास सुख सुविधाएं तरह तरह के संसाधन उनके पास आएंगे। तो ये सब चीजों की गणना इस प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ी सी चीजें कंपेयर करके एक दो तीन चार लोगों का देखिए तो आप आसानी से इन चीजों को समझ जाएंगे, आप अंदाजा लगा के जानना सीख जाएंगे कि बेसिकली हमको इन सारे प्रक्रम में करना क्या है। और ये हमारे पूरी तरीके से जो गूठा होता है समुद्र शास्त्र में व्यक्तित्व को दिखाता है। तो व्यक्तित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, क्या हासिल करेगा, इन सब चीजों से देखा जा सकता है। दोस्तों ये थे क्विक एंड शॉर्ट वीडियो जो हमको थंब रीडिंग के माध्यम से जीवन साथी का नाम सफलता आयोग की गणना की जा सकती है। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।